उपग्रह की गति के अंतर्गत आज के अध्ययन का हमारा मुख्य विषय है या मुख्य बिंदु है केपलर के नियम के आधार पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सत्यापन करना, और दूसरा बिंदु है कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं केपलर के नियम से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का निगमन। केपलर ने यह बताया था खगोलीय गणनाओं के आधार पर, केपलर ने बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, जिसको हम कहते हैं कक्ष का नियम। तो पहला हम नियम इसका लेते हैं कक्ष का नियम। दूसरा केपलर ने यह बताया था कि क्षेत्रफली चाल का नियम, क्षेत्रफली चाल का नियम, और तीसरा नियम दिया गया था परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल के नियम में यह बताया गया था कि यदि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पर चक्कर लगाती है, यदि उसका परिक्रमण काल टी हो तो परिक्रमण काल वर्ग सूर्य और ग्रह को जो मिलाने वाली रेखा है उसके औसत दूरी के घन के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती, अर्थात टी का वर्ग अनुक्रमानुपाती आर का घात 3, या इसको हम लिख सकते हैं टी का वर्ग बराबर, यहाँ पर लिखेंगे एक कांस्टेंट या स्थिरांक और ये हो जाएगा आर का घात 3। तो परिक्रमण काल के लिए उन्होंने ये सूत्र दिया गया था। तो इस तरीका से इनके जो निष्कर्ष निकला, केपलर का जो निष्कर्ष निकला, इसके आधार पर न्यूटन ने ये बताया कि प्रत्येक पिंड जो है एक दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था कि यदि दो पिंड है जिसका, मान लीजिए पिंड ए इसका द्रव्यमान m1 और एक पिंड बी है इसका द्रव्यमान क्या है m2 है, यदि ये दोनों पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल का मान होगी इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2। चूँकि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं एफ अनुक्रमानुपाती 1/r का वर्ग। यदि हम इन दोनों को एक साथ मिला दें तो लिखेंगे एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2/r का वर्ग। इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक कांस्टेंट जिसको हम कह सकते हैं के या लिख सकते हैं जी, दोनों का एक ही मतलब है। चूंकि यहाँ पर जी लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं इसलिए एफ बराबर यहाँ पर जी हो जाएगी और इसको लिखेंगे m1 m2/r का वर्ग। ठीक, यदि इन दोनों पिंडों में से यदि एक का द्रव्यमान क्या हो, इकाई मान के चलते हैं, मान के चलिए चलो इसका द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है, तो इस सूत्र को हम लिख सकते हैं एफ बराबर जी m1/r का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि ये एक स्थिरांक है, ये स्थिरांक है तो स्थिरांक को यदि हम हटाते हैं तो इसको लिखेंगे या एफ अनुक्रमानुपाती m1/r का वर्ग, ये सूत्र दिया गया था न्यूटन ने। तो केपलर के नियम से हमको इसी सूत्र का क्या करना है, स्थापना करना है। तो केपलर की ग्रह की गति संबंधी नियम का विस्तृत अध्ययन करने के बाद में न्यूटन ने ये निष्कर्ष निकाला कि बुध तथा प्लूटो को छोड़ करके जितने भी ग्रह होती है वह सूर्य के चारों ओर एक वृत्ति कक्ष पर क्या करती है, परिक्रमा करती है। जैसे इस प्रकार की एक कक्ष है
ऐसा एक वित्तीय कक्षा है। इस कक्षा में क्या करती है, सभी जो ग्रह होती केवल बुध और प्लूटो को छोड़ करके इस वृत्ति पथ पर क्या करता है, परिक्रमा करता है। लेकिन बुध और प्लूटो इसकी जो कक्षी होती है वह क्या होती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा होता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब उसकी जो आकृति होगी कुछ इस तरीके से होगी। ऐसा इस पथ पर बुध और प्लूटो जो है क्या करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर केपलर के जो ग्रह की जो द्वितीय नियम था, द्वितीय नियम ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, तो सभी ग्रह इस वृत्ति पथ पर यदि परिक्रमा करेगी तो उसका चाल भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक, तो इन्हीं नियमों के आधार पर न्यूटन ने बताया कि जब सभी ग्रह इस वृत्ति पथ पर परिक्रमा करता है तो इस वृत्ति पथ पर परिक्रमा करने के लिए उसको आवश्यक अभिकेंद्री बल चाहिए। जब आवश्यक अभिकेंद्री बल उसको मिलेगा, उस ग्रह को मिलेगा, तभी वह इस वृत्ति पथ पर क्या कर सकती है, परिक्रमा कर सकती है। तो यदि हम अभिकेंद्री बल का परिमाण निकालें तो हम उसको लिख सकते हैं, ग्रहों का वृत्ति पथ पर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल, आवश्यक अभिकेंद्री बल का परिमाण F बराबर एम वी स्क्वेयर बटे आर, समीकरण नंबर एक, जहां पर स्मॉल m ग्रह का द्रव्यमान है, v वृत्ति पथ की, जैसे ये वृत्ति पथ है तो इस वृत्ति पथ का त्रिज्या है R, और V जो है इस वृत्ति पथ का क्या है, कक्ष की गति है। ठीक है, तो सभी ग्रह जो है इस वृत्ति पथ पर क्या करेगी, परिक्रमा करेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक अभिकेंद्री बल चाहिए जिसका परिमाण F बराबर एम वी स्क्वायर अपान R हम उसको लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यदि ग्रह जो है इस वृत्ति पथ पर परिक्रमा कर रही है तो एक परिक्रमा करने में कितना समय लिया, जिसको हम कह सकते हैं उस ग्रह का परिक्रमण काल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यदि ग्रह का परिक्रमण काल T हो तो यदि परिक्रमण काल T हो तो T बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R बटे V, जहां पर 2 पाई R क्या चीज़ है, एक वृत्ति पथ पर यदि परिक्रमा किया तो उस ग्रह के द्वारा कितनी दूरी तय किया गया, तो ये हो गया दूरी और ये हो गया उसकी कक्षीय चाल। या इसको हम यहां से निकाल सकते हैं, V बराबर 2 पाई R बटे T, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, समीकरण नंबर दो। समीकरण दो में V का मान दिया गया, उसको हम समीकरण एक में रखें तो लिखेंगे इसको समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से F बराबर यहाँ पर निकल जाएगा m बटे r निकल गया, V का मान यहाँ से रखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 पाई r बटे t और स्क्वायर दिया है इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए पूरे का वर्ग या स्क्वायर। आगे हम इसको लिखते हैं, एफ बराबर एम बटे आर और यहाँ पर वर्ग है, वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई का वर्ग आर का वर्ग बटे टी का वर्ग।
चूंकि केपलर के कृति नियम से केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है कि परिक्रमण काल को वर्ग सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी औसत दूरी के घन के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है या इसको हम लिखेंगे टी का वर्ग बराबर के आर का घात 3। इसको हम समीकरण 3 बनाए तो ये हो जाएगा समीकरण 4। समीकरण 4 से टी का वर्ग का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो लिख सकते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 से t वर्ग बराबर दिया है कि r का घात 3 यहाँ पर मान रखेंगे तो f का मान निकल जाएगा f बराबर इसको हम लिखेंगे m बटे r और ये हो जाएगा 4 पाई का वर्ग r का वर्ग बटे यहाँ पर t वर्ग का मान रखेंगे कितना k r का घात 3। यहाँ पे देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रही है ये r से यहाँ से एक r कैंसिल कर दिया यहाँ r का घात 3 है यहाँ r बचा है इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं तो ये जो सूत्र यहाँ पर निकल रहा है उसको हम लिखेंगे f बराबर m और ये निकला हुआ है 4 पाई का वर्ग बटे k आर का वर्ग या इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर 4 पाई का वर्ग बटे के एम बटे आर का वर्ग चूंकि हम जानते हैं ये जो मान निकला हुआ है 4 पाई आर वर्ग बटे के एक नियत राशि जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट तो इसके जगह हम लिख सकते हैं एफ अनुक्रमानुपाती m बटे r का वर्ग और इसी सूत्र का निगमन अपने को करना था और ये सूत्र ये बताता है कि यही क्या है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो इस सूत्र को देखने के बाद में ये पता चलता है कि प्रत्येक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय कक्ष पर परिक्रमा करता है तो वहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल लगती है। दूसरा हम इसमें ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं आकर्षण बल का मान ग्रह के द्रव्यमान के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रह और सूर्य दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उसके बीच की जो दूरी है r उसका जो f है या जो आकर्षण बल है उस दूरी के वर्ग के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से न्यूटन ने केपलर की गति का विस्तृत अध्ययन किया और विस्तृत अध्ययन करने के बाद में उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि यह जो केपलर के गति का जो नियम है ग्रह की गति का जो नियम है वह केवल सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह इन्हीं तक सीमित नहीं है बल्कि ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्यमान वाले कण हैं चाहे एक पिंड हो चाहे दूसरे पिंड हो चाहे जो भी पिंड हो जिसमें द्रव्यमान रहती है वह सभी पिंडों के लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होती है और केपलर की ग्रह की जो गति संबंधी नियम है ये नियम भी वहाँ पर क्या होती है लागू होती है। तो इस तरीक़े से हम केपलर की गति का विस्तृत अध्ययन करने के बाद में लास्ट में निष्कर्ष यही निकालते हैं कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करती है आकर्षित करती है और किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान है उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जिसको केपलर के नियम से प्राप्त किया गया। ठीक आगे हम चलते हैं कि जो कृत्रिम उपग्रह है उसका प्रक्षेपण कैसे किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण
कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने के लिए पृथ्वी की तल से जो हमारे पास भारत में जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वहाँ से कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है और वह रॉकेट ऐसे बनी रहती है जो बहुत सारे खंडों में अर्थात 3 या 4 खंडों में मिल करके बना होता है। जैसे इस प्रकार की आकृति हम ले सकते हैं, ये एक रॉकेट है, ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, ये तीसरा खंड हो गया और इसी तीसरे खंड में क्या है, ये उपग्रह है। इसका नामकरण कर दें, ये हो गया उपग्रह, इसको हम कहेंगे प्रथम खंड, ये हो गया द्वितीय खंड और इसको हम कहेंगे तृतीय खंड। यहाँ पर एक कक्ष होती है जिसमें क्या भरा रहता है, ईंधन भरा रहता है, ईंधन ये है गैस। तो इस तरीके से कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने के लिए बहुखंडी रॉकेट का उपयोग किया जाता है जो यहाँ पर 3 खंडों में बटा हुआ है। प्रथम जो खंड रहता है वह उसको बहुत ही स्ट्रांग या बहुत ही शक्तिशाली बनाया जाता है। शक्तिशाली बनाने के पीछे कारण ये रहता है कि चूंकि पृथ्वी के समीप वायु का जो घनत्व रहती है वो ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उड़ते जाते हैं वायु का घनत्व क्रमशः क्या होते जाती है, कम होते जाती है, साथ साथ पृथ्वी के समीप जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी कारण से जो पहला जो खंड होता है रॉकेट का उसको बहुत शक्तिशाली बनाया जाता है ताकि वह उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और जो वायु का जो घनत्व है उसको आसानी से पार करके ऊपर उठ जाए या ऊपर गति के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही प्रथम कक्ष के ईंधन को जलाया जाता है तीव्र वेग से गैस जो है क्या बाहर निकलेगी, इस तरीके से तीव्र वेग से गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होती है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया बल लागू होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन की गति के तीसरा नियम के अनुसार गैस के द्वारा इस रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल लगेगी जिसके कारण यह रॉकेट तीव्र वेग से ऊपर की ओर क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, जैसे ही प्रथम खंड का ईंधन समाप्त हो जाता है यह जो खंड होती है वह टूट करके क्या हो जाता है, गिर जाता है। ये इस भाग को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ये पहला वाला जो भाग है टूट करके गिर गया। तो जैसे ये टूट करके गिरता है उस समय जो द्वितीय खंड होती है वहाँ पर जो ईंधन कक्ष रहता है वह ईंधन कक्ष जलना शुरू हो जाती है और रॉकेट जो है तीव्र वेग से ऊपर की ओर चलते रहती है। ठीक है, जब ये ईंधन समाप्त हो जाती है तो ये खंड भी क्या हो जाती है, टूट करके गिर जाता है और जो तीसरा जो खंड है वह काम करना शुरू कर देता है। तो तीसरे खंड में जो उपग्रह रखा हुआ है, ये जो तृतीय जो खंड है वह स्वचालित प्रबंधन के द्वारा इस उपग्रह को 36 के समांतर, पृथ्वी के 36 के समांतर जो पृथ्वी के चारों ओर जो कक्ष बना हुआ है जिसको हम कहते हैं वृत्ति कक्ष, इस वृत्ति कक्ष में नियत चाल जिसको हम क्या कहेंगे, V, और V का मान कितना निकाला गया था, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से इस उपग्रह को स्वचालित प्रबंधन के द्वारा इस कक्ष में पृथ्वी के 36 समांतर इस कक्ष में 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से छोड़ दिया जाता है और वह जो उपग्रह होती है इसी पथ पर क्या करती है, परिक्रमा करना शुरू करती है। तो इस तरीके से कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। अब यहाँ पर जब कृत्रिम उपग्रह का जब प्रक्षेपण हो गया तो उसमें जो वृत्ति जो पथ है यहाँ पर यदि हम ये रॉकेट जो है अधिकतम ऊंचाई जो ये जो उपग्रह है वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुँच गया तो मान के चलते हैं कि ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से अधिकतम ऊंचाई कितनी ले लेते हैं, h ले लेते हैं। इस पर इस कक्ष की जो चाल होगी वो तो v चाल से परिक्रमा कर रहा है लेकिन यहाँ पर जो कक्ष की जो क्षैतिज चाल है उसको हम कितना मानेंगे, v मानेंगे। ठीक है, तो इस पर इस v पर या जो क्षेत्रीय चाल है या कक्षीय चाल है उसका जो आकार है वह किस प्रकार की आकार है ये चाल के ऊपर डिपेंड करेगा, चाल के ऊपर डिपेंड करेगा या निर्भर करेगा। इसका मतलब ये है कि वह दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में हो रही है कि वृत्ति कक्ष में गति कर रही है या अति परवलय कक्ष में गति कर रही है या परवलय कक्ष में क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर यदि इस ऊंचाई पर यदि हम कक्षीय चाल का मान निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं h ऊंचाई पर ग्रह की कक्षीय चाल, h ऊंचाई पर ग्रह की कक्षीय चाल, चूंकि v होता है और v बराबर होती है अंडर रूट जी एम बटे आर प्लस एच, पहला। और यदि इसी ऊंचाई पर हम उस ग्रह के लिए यदि हम पलायन वेग निकालें तो पलायन वेग निकाल सकते हैं, चूंकि पलायन वेग इसको हम कहेंगे वी, इसे प्रदर्शित करेंगे, ये कक्षीय इसलिए यहाँ पर ओ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू जी एम बटे आर प्लस एच, समीकरण नंबर दो। अब यहाँ पर देखें पहला कंडीशन, यदि v लेस देन या v छोटी है अंडर रूट जी एम अपान आर प्लस एच से, इसका मतलब क्या हुआ कि कक्षीय चाल का जो मान है उस h ऊंचाई पर जो कक्षीय चाल का जो मान निकला हुआ है जी एम अपान आर प्लस एच, ये क्या है क्षैतिज वेग है और ये क्या है कक्षीय चाल है। यदि क्षैतिज वेग का मान कक्षीय चाल के मान से क्या हो कम हो, उस स्थिति में जो उपग्रह होगी वह अति पर जो परवलयाकार जो पथ होती है, परवलयाकार पथ का मतलब होता है इस तरीके से ऐसा पथ रहती, इसको हम कहते हैं परवलयाकार, तो इस परवलयाकार पथ पर गति करते हुए अंतरिक्ष से कहाँ चले जाएगी बाहर चले जाएगी, ठीक है। जो वृत्ति पथ, ऐसा जो वृत्ति पथ दिखा रहे हैं, इस वृत्ति पथ पर ग्रह जो है परिक्रमा नहीं करेगा, ऐसे कंडीशन निर्मित होती है तो क्या हो जाएगा बाहर चले जाएगा, और बाहर चले जाएगी तो उसका मार्ग कैसा होगा परवलयाकार होगा, क्लियर हो गया। दूसरा स्थिति हम इसमें ये ले सकते हैं कि क्षैतिज वेग बराबर हो किसके, कक्षीय चाल की। इस स्थिति में चूंकि दोनों बराबर है, ग्रह जो प्रक्षेपित किया गया है वह दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पर क्या करेगी परिक्रमा करेगी पृथ्वी के चारों ओर और उसकी जो त्रिज्या होगी कितनी r प्लस h होगी, तो r प्लस h त्रिज्या के जो वृत्ति मार्ग बना हुआ है उस वृत्ति मार्ग में उपग्रह जिसको प्रक्षेपित किया गया पृथ्वी से वह क्या करेगी परिक्रमा करेगी, ठीक है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जब ऐसे स्थितियाँ निर्मित होती है तो इसकी जो दीर्घ वृत्ताकार जो कक्ष होगी उसमें ग्रह की चाल किस तरीके से होगी इसको भी हम देख सकते हैं। तो इसके लिए तीसरा कंडीशन निर्मित ये होगी कि तीसरा, यदि जी एम बटे आर प्लस एच छोटी है टू जी एम बटे आर प्लस एच, ऐसे स्थितियां निर्मित होती है कक्षीय चाल का मान छोटा है किससे क्षैतिज वेग से और क्षैतिज वेग छोटा है किससे पलायन वेग से, यदि ऐसे स्थितियां निर्मित होती है तो जो ग्रह की चाल है वह दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पे क्या करेगी परिक्रमा करेगी, और दीर्घ वृत्ताकार कक्ष की आकृति हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये ऐसे मार्ग हो जाएगा और यहाँ पर क्या है पृथ्वी है जिसका केंद्र O, त्रिज्या R और द्रव्यमान m, इस पथ पर ग्रह गति कर रही है, इसका चाल v है, ठीक है v जीरो। तो यहाँ पर जैसे ही पृथ्वी के समीप आती है ग्रह उसका चाल क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, और यदि दूर पहुंच गया तो चाल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं तीव्र चाल,
तीव्र चाल इस दिशा से परिक्रमा कर रहा है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रही इसका चाल जो है क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। डिस्टेंस या दूरी बढ़ गई तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, मंद चाल हो जाएगी ग्रह की। फिर यदि ये पृथ्वी के समीप आएगी तो चाल में क्रमशः धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो इस तरीके से चाल में क्या होती है, परिवर्तन होती है जब वह दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पे क्या करती है, परिक्रमा करती है। इसमें एक स्थिति और निर्मित हो सकती है, यदि v बराबर 2gm बटे r प्लस h हो। क्षैतिज वेग कमान जो उस ऊंचाई पर h ऊंचाई पर पलायन वेग है उसके मान के क्या हो, बराबर हो। यदि दोनों मान आपस में बराबर है तो उपग्रह अति परवलय मार्ग का क्या करेगी, अनुसरण करेगी और वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या हो जाएगी, बाहर चले जाएगी। तो उसमें हम आकृति बनाएं, ये पृथ्वी है और इस तरीका से ये दीर्घ वृत्ताकार कक्ष जी आर द्रव्यमान एम, ये जो कक्ष है वो क्या है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष है, दीर्घ वृत्ताकार, ये भी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष है। यहाँ पे ये दो कक्ष और दिख रही है, एक को हम ले लेते हैं अति परवलय, अति परवलय कक्ष, और दूसरे को हम ले लेते हैं परवलयाकार कक्ष। तो यहाँ पर स्थितियाँ ये है कि यदि क्षैतिज वेग कमान गुरुत्वाकर्षण जो चाल है उसके बराबर हो तो ग्रह इस दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पर परिक्रमा करेगी, और यदि मान लिया जाए यहाँ पर चाल जो है बड़ा हो जाता है, यदि इसमें दूसरा कंडीशन देखें v ग्रेटर देन 2gm बटे r प्लस h, ऐसा स्थितियां निर्मित होती है तो अति परवलय या परवलयाकार मार्ग दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष से बाहर चले जाएगी और वह ग्रह कहीं पर भी जाके क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है तो वहाँ पर जो क्षैतिज चाल है उसके मान को ध्यान में रखा जाता है, जो उसकी कक्षीय चाल है उसके मान को ध्यान में रखा जाता है, और हम कितनी वेग से ऊपर की ओर उस ग्रह को क्या कर रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं, उसके चाल को ध्यान में रखा जाता है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जितने भी कंडीशन या जितने भी स्थितियाँ निर्मित होती है, इन सारे स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो अंतरिक्ष केंद्र होती है उस अंतरिक्ष केंद्र से कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, और सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए जो क्षैतिज जो चाल होगी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड ये चाल होना चाहिए, और पृथ्वी के जो तल है उसके उस तल के क्या होना चाहिए, क्षैतिज होना चाहिए, तभी इस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग का क्या करेगी, अनुसरण करेगी और वह कृत्रिम उपग्रह उस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या करेगी, परिक्रमा करेगी। तो इस तरीके से कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो आज के हमारा जो अध्ययन का जो मुख्य बिंदु था, कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण कैसे किया जाता है, और केपलर के ग्रहों की जो गति संबंधी नियम था उस नियम के माध्यम से न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उस नियम का निगमन कैसे किया, इन दोनों बिंदुओं के आधार पर आज चर्चा की गई। इसके साथ ही ये वाला जो टॉपिक है वो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू।